देखिए, सबसे पहले तारुफनामा जो है उसे इंग्लिश में लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। वहाँ पर आप लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफनामा, तारुफनामे के मानी होते हैं जान पहचान के, किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश करना, है ना। तो हर इंसान का एक ताल्लुक होता है, एक जोड़ होता है। कोई नई चीज़ देखी तो उसकी तारीफ, उसका तारुफनामा, उसकी जान पहचान करने के पीछे हम लग जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तमहीद देखिए। तमहीद आज के मुसाबकती दौर में आलमकारी और तिजारती अमल की वजह से गाहक, सार्फ यानी कि सार्फिन, खरीदो फरोख्त के मामलात में बड़ी बेदार हो गए हैं कि ख़रीदने से पहले हम उसकी जान पहचान कराना चाहते हैं और फिर ख़रीदते हैं। मुसाबकती यानी कि ताल्लुकात। तो आज का दौर कैसा है? ताल्लुकाती दौर है, एक दूसरे से हमारे ताल्लुकात बढ़ चुके हैं। जैसा कि हम सब्ज़ी ख़रीदने के लिए गए हैं तो उससे पूछते हैं सब्ज़ी कहाँ से आ रही है, इस पर पानी क्या छिड़का जा रहा है, है ना। इस तरह से आगे हम और भी मज़ीद मालूमात पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़े कि सब्ज़ियों पर दवाइयाँ छिड़के जा रही है, केमिकल छिड़के जा रहे हैं, वही सब्ज़ियाँ हम खा रहे हैं। तो इसी तरह से आज का जो दौर है तो वो मुसाबिकती यानी कि ताल्लुकात वाला दौर है। तो ताल्लुकाती वाले दौर में आलमकारी और तिजारती अमल की वजह से आज का दौर तिजारत की तरफ ज़्यादा रगबत बढ़ रही है, तिजारत की तरफ लोग कारोबार में मसरूफ़ है, कारोबार में सबसे ज़्यादा तिजारत कर रहे हैं। और तिजारत भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, वो मसाले चीज़ें वगैरह लेके जाते और बाज़ार में फरोख्त करते थे, तो तिजारत उनको पसंद थी, इसलिए तिजारत की तरफ आज बहुत सारी दुकानें लग रही है। जैसा कि कपड़ा फरोश की दुकान, सब्ज़ी फरोश की दुकान, फ्रूट बेचने वाले जिसे हम उर्दू में समर कहते हैं, समर बेचने वाले, तो बहुत सारी दुकानें लग चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ा उसकी दुकानें, ये तिजारत हर दौर से हर तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग छोटे छोटे कारोबार शुरू हो चुके हैं। तो ये जो दौर है तो तिजारती अमल की वजह से गाहक, जिसको हम इंग्लिश में सार्फिन कहते हैं, तो खरीदो फरोख्त, खरीदना कोई चीज़ को पैसों से ले लेना, फरोख्त करना यानी कि बेचना, तो उसके मामलात में बड़े बेदार हो गए हैं लोग, जागरूक हो गए। बेदार से मुराद जाग चुके हैं, ये ख़राब चीज़ आज कोई ख़रीद रहा क्या? नहीं, हर इंसान को अच्छे से अच्छी चीज़ चाहिए, वो बेहतर से बेहतर चीज़ ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है। बाज़ार में हम सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं, फ्रूट ख़रीदने जाते हैं, ड्राई फ्रूट ख़रीदते हैं, लेकिन हम ख़राब ख़रीदते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हम ही नहीं बल्कि तमाम उम्मत, तमाम अवाम इससे जागरूक हो चुकी है, बेदार हो चुकी है। कोई मामला करते वक्त लोगों को मुतालुका मामले के ताल्लुक से तफसीली मालूमात दरकार होती है, दरकार होना ज़रूरी होना, ज़रूरत पड़ती है मालूमात की। लोग चाहते हैं कि उन्हें ये मालूमात घर बैठे तहरीरी तौर पर हासिल हो जाए, घर बैठे। एक मिसाल दूंगा मैं आपको कि जैसे कि हम कोई नई चीज़ बाज़ार से खाने के लिए ला रहे हैं, जैसा कि हम खवा लाते हैं, खवा जिससे मिठाइयाँ बनती है, है ना। खवा किस तरह से तैयार किया जाता है ये हमको नहीं पता, लेकिन हम घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से गूगल पे अगर सर्च करें, उसका तरीका ढूंढे, तो उसकी मालूमात, उसकी तारुफ यानी कि जान पहचान हमको हो जाएगी। तो हर इंसान की ख्वाहिश क्या है कि घर बैठे हमको मालूमात हासिल हो जाए, मालूमात घर बैठे तहरीरी तौर पर हासिल हो जाए। पहले किताबों का दौर था कि लोग किताबें ख़रीदते थे, उसको घर पे पढ़ते थे कि कौन सी सब्ज़ी में कौन सी तासीर है, कि हम गोभी खाएंगे उसकी तासीर क्या है, मेथी की सब्ज़ी खाएंगे उसकी तासीर क्या है, पालक खाएंगे उसकी तासीर क्या है, चने की दाल में कौन सी तासीर है, या हम फ्रूट खा रहे हैं अंगूर में कौन सी तासीर है, वो ठंडा होता है कि गर्म होता है, है ना। इस तरह से तमाम चीज़ों की तासीर जानने के लिए हम किताबों का पहले इस्तेमाल किया करते थे,
लेकिन आज इंटरनेट के ज़रिए से ये मालूमात हम घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो लोगों के इस रुझान को ताजिरों यानी कि चीज़ें फरोख्त करने वाले, समाजी, तालीमी और मालियाती इदारों, ने सनतकारों, सनतकार यानी कि फैक्ट्रियाँ जहाँ पर लाइट बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, टीवी बन रही है, फैन बन रहे हैं, ये कारखाने जहाँ पर डेस्क बेंच बन रहे हैं, ये कारखाने जहाँ पर कुर्सियाँ तैयार हो रही है, ये कारखाने, ये तमाम कारखानों को हम सनतकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सनतकार। और व्यापारियों ने समझ लिया है, और व्यापार व्यापारी फरोख्त करने वाले, जैसा कि कपास का व्यापारी है, किराना दुकान का व्यापारी है, ये सब व्यापार है, कपड़े की दुकान वाला ये व्यापारी में शामिल होता है, ये सब व्यापारी है, फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला, घड़ी बेचने वाला, मोबाइल बेचने वाला, टीवी बेचने वाला, ये सब क्या है? ये व्यापारी है, ये व्यापार लाइन के लोग हैं। तो व्यापारियों ने, सनतकारों ने, ताजिरों ने, समाजी लोगों ने, तालीमी हासिल करने वाले लोगों ने यानी कि उस्तादों ने, टीचरों ने, तमाम इंसानों ने, मालियाती यानी कि जिनके पास जायदाद है, दौलत है, यानी कि जो बैंकें चला रहे हैं वो लोगों ने, फैक्ट्रिया वालों ने, व्यापारियों ने, सबको अच्छी तरह से समझ लिया है। लेकिन ये तमाम लोग गाहकों की तस्कीन यानी कि ग्राहकों की तस्कीन के लिए, इत्मीनान के लिए, ये लोग जो नए नए तरीके और ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि नए नए ज़राए यानी कि वसाइल, रास्ते, नए नए रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें से एक तारुफनामा भी है। उनमें से क्या है? एक तारुफनामा है। जैसा कि पहले पुराने दौर में कपड़े, बहुत सारी किस्मों के कपड़े दस्तियाब थे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हम नहीं पहनते थे पुराने दौर में। लेकिन आज के दौर में हर इंसान ये चाहता है कि मैं फैशनेबल कपड़े पहनूँ, हमारी यही उम्मीद होती है, फैशनेबल नकाब लाऊँ, नकाब का इस्तेमाल करूँ, तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन ये नकाब बनाने वालों ने, ये कपड़े बनाने वालों ने, ये शर्ट तैयार करने वालों ने, ये पैंट तैयार करने वालों ने, ये फैक्ट्रिया वालों ने, उन्होंने नए नए चीज़ें, नए नए वसाइल का इस्तेमाल किया है ना। कपड़ों का आज देखेंगे आप कि पुराने दौर का पहनावा और आज के दौर का पहनावा, इसमें तब्दीली आ गई है। डिज़ाइन डिज़ाइन के कपड़े जो है तो आज मार्केट में दस्तियाब हैं। तो ये ताजिरों ने ये नए नए वसाइल का तरीका इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए से उनकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिक रही हैं। फैक्ट्री वालों की बनिस्बत उन्होंने अपने कंपनियों में नए नए डिज़ाइन के कपड़े तैयार किए हैं और फिर वो मार्केट में आए हैं, हमने उनको पसंद किया है और वो हमने पहनावे को अपनाया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। इससे पहले मैंने आपको एक मोबाइल की मिसाइल दिया था, नोकिया मोबाइल की, है ना। उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ उसका, उनको नुकसान कि वो मोबाइल लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बनिस्बत में बहुत सारे ऐसे मोबाइल लॉन्च हो चुके थे जिसमें नए नए फीचर, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने नोकिया मोबाइल को लेना बंद कर दिया। फिर उसके बाद यह असर हुआ कि नोकिया मोबाइल ने वो अपनी कंपनी फरोख्त कर दी, बेच दी माइक्रोसॉफ्ट को, तो कंपनी ने फिर उसको ली। फिर 13, 14, 15 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फिर उसको दोबारा अपडेट करके लॉन्च किया, लेकिन लोगों ने उसे भी पसंद नहीं की, वो सॉफ्टवेयर को, वो हार्डवेयर को, वो नई टेक्नोलॉजी को, वो नए फीचर्स को लोगों ने कबूल नहीं किया, क्योंकि उससे बेहतर और उससे कम कीमत में उसके बनिस्बत दूसरे मोबाइल जो है तो मार्केट में जो है तो लॉन्च हो चुके थे, जिसमें ओप्पो है, वीवो है, लिनोवो है, सैमसंग है, ऐसे बहुत सारे मोबाइल। लेकिन एक दौर था कि जब मोबाइल शुरू हुआ, टावर लगे हर जगह, तो लोग नोकिया के सिवा कोई मोबाइल नहीं खरीदते थे, कीपैड वाले मोबाइल होते थे पहले। तो ये जो है, तो इसका असर कैसा हुआ कि कंपनियों ने अपने आप को अपडेट किया, नए नए फीचर लाए, नए नए मालूमात हासिल की लोगों के तरफ, वो पहले उनके कारिंदे जो है, कारकुन जो है, तो लोगों तक पहुंचे, लोगों से उन्होंने राय ली कि मोबाइल में कौन सी चीज़ होना, कौन सी नहीं होना, क्या ख्वाहिशें हैं लोगों की, फिर उसके बाद जो है तो मोबाइल को उन्होंने अपडेट किया, फिर लॉन्च किया। इसलिए उनके सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाले ये मोबाइल। तो वैसा ही हर इंसान, आज का दौर बदल चुका है। ठीक है, देखिए आगे हियत, दूसरा पॉइंट, तारुफनामा यानी मुनफरिद, मुनफरिद कहते हैं अकेला,
तारुफनामा मुनफरिद मालूमात वाला वर्किया है, यानी कि एक किताब का वर्क है, एक किताब का पेज है। तारुफनामा जैसे मौजूआत, खिदमात, शोबाएजात को लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया है, मालूमात देना। यानी कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब आता है तो हम टीवी पे उसके ऐड देखते हैं, कोई मेडिसिन तैयार होती है उसकी ऐड टीवी पे हम देखते हैं, कोई मलम कोई पेस्ट कंपनी जब इजाद कर लेती है तैयार कर लेती है उसकी ऐड हम टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। तो पहले उसका क्या है, यानी उसका कहने का मतलब क्या है कि उसका तारुफनामा पहले हमारे सामने अवाम के सामने रखा जाता है कि इसके फ़ायदे क्या है, ये काय के लिए चलता है, और फिर उसके बाद जो है तो मार्केट में दस्तियाब होता है, वो हम उसको जाके ख़रीदते हैं, उसे कहते हैं तारुफनामा। पहले ऐड आती है टीवी में, हम उसको देखते हैं, समझते हैं, फिर उसको जाके ख़रीदते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बात बताने की कोशिश की जा रही है कि तारुफनामा यानी मुनफरिद अकेला मालूमात वाला वर्किया है, यानी कि एक पेज होता है मालूमात का, एक दो मिनट की ऐड होती है, एक मिनट की ऐड होती है या चंद सेकंड की ऐड होती है, लेकिन हम उससे जान पहचान हमको उससे जान पहचान हो जाती है कि नया प्रोडक्ट बना है काय का है, नए चीज़ नया मोबाइल लॉन्च हुआ है इसमें क्या फ़ीचर है, नया लैपटॉप लॉन्च हुआ उसमें क्या फ़ीचर है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है तो हमारे सामने पहले रखी जाती है, लोगों को नए नए मंसूबों की जानिब मंसूबा यानी कि इंग्लिश में जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, तो नई नई प्लानिंग की जानिब रागिब करने का काम करता है ये तारुफनामा, लोगों को अपनी तरफ रागिब करना यानी कि मुतवज्जे करने की कोशिश करता है, काम करता है। तारुफनामे की वजह से मालूमात देने और मालूमात हासिल करने वालों के दरमियान एक रिश्ता कायम होने में मदद मिलती है, काय के ज़रिए से, तारुफनामा इंट्रोडक्शन कराने के, जैसा कि स्कूल में या गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो निजामत करने वाला जो होता है या मुशायरा हो रहा है तो कोई शायर को बुलाने से पहले उसकी तारीफ बयान करता है, नाजी में मुशायरा उसकी तारीफ बयान करता है कि जितने भी सामाईन है सुनने वाले हैं मुशायरा सुनने के लिए आए तो उनको मालूम हो जाए कि ये शायर है ना, ये इस तरह की शायरी करते हैं, तो उसे तारुफनामा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों के रिश्ते आपस में मिल जाते हैं, करने वालों के दरमियान एक रिश्ता कायम होने में मदद मिलती है। तारुफनामा नए गाहक के हुसूल उनके फ़ायदे के लिए और नए बाज़ार पर गलबा हासिल करने का पहला जीना है, यानी कि हमला करने का, कौन सा, तारुफनामा। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि तारुफनामा नए ग्राहक के लिए, कौन से ग्राहकों के लिए, नए ग्राहकों के लिए नए बाज़ार पर है ना, नए बाज़ारों में अपना प्रोडक्ट लोग कैसा ज़्यादा खरीदे है ना, इसका तारुफनामा इसका इंट्रोडक्शन पहले हमको कराते हैं, जिसका गलबा यानी कि जिसका हमला करने का पहला जीना है, यानी कि पहली पायरी होती है, पहली पायरी कौन सी, तारुफनामे की। लोग हमको इंट्रोडक्शन कराते हैं, कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ नहीं तैयार हुई उसके इंट्रोडक्शन उसकी ऐड पहले टीवी पे आती है, अखबार में पढ़ते हैं या पंपलेट वगैरह बांटे जाते हैं जिससे हमको जान पहचान हो जाती है। तो वो ये सब काय के लिए करते हैं, बाज़ार में अपना कदम जमाने के लिए, वो कंपनी वो फैक्ट्री ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल मार्केट में हमारा बिके, इसलिए। तो पहला जीना पहली पायरी है गाहक को तारुफनामे के ज़रिए ज़रूरी मालूमात हमेशा दस्तियाब हो सकती है, दस्तियाब यानी कि मौजूद हो सकती है, उसे कम वक्त और कम खर्च में गाहक के मकान तक पहुंचाया जा सकता है पंपलेट छपा कर। जैसा कि कोई नया दवाखाना खुला ओपनिंग है तो उसका पहले क्या होता है, पंपलेट छापते हैं, कोई भी दुकान दवाखाना हो किराना दुकान हो मेडिकल हो तो उसका पहले पंपलेट छापा जाता है तारुफनामा, वो घर तकसीम किया जाता है अवाम में, फिर लोग उसकी लोगों को उससे पहचान हो जाती है कि हाँ कोई नया दवाखाने की ओपनिंग हुई है, कोई नए कपड़े दुकान की ओपनिंग हुई है। तो इस तरह से ये हम तक पहुँचाया जा सकता है। तारुफनामा बिला वास्ता तौर पर इश्तियार का काम करता है, काय का काम करता है, इश्तियार का काम करता है, जिसे इश्तियार अंग्रेज़ी में हम पंपलेट कहते हैं, उसे पढ़ते वक्त अशिया यानी कि जो चीज़ें हैं अशिया फरोख्त से मुतालिक लोगों में इश्तियाब यानी कि लोगों में शौक ख्वाहिश और दिलचस्पी पैदा हो तो समझे कि तारुफनामे का मकसद हासिल हो गया है।
यानी कि वो पंपलेट पढ़ने के बाद, वो इश्तियार पढ़ने के बाद अगर लोग उस दुकान पर पहुंच रहे हैं ख़रीदने के लिए, तो समझ जाइए कि आपने जो तारुफ़ नामा शाय किया है, छापा है, वो आप उसमें कामयाब हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं। 143 पे तीसरा नुकात, तारुफ़ नामे की ज़रूरत और अफादियत, यानी कि किन किन लोगों को तारुफ़ नामे की ज़रूरत होती है और उसकी अफादियत क्या है, यानी कि उसके फ़ायदे क्या है। तारुफ़ नामे की ज़रूरत हर जगह होती है, जैसा कि अभी आपने टीचिंग एड्स में ये जेरोक्स कॉपी देखी कि उसमें मदरसों के तारुफ़ नामे हैं, बैंकों के तारुफ़ नामे होते हैं, उसके बाद एसटी के तारुफ़ नामे होते हैं, स्कूलों के तारुफ़ नामे होते हैं, मदरसों के तारुफ़ नामे होते हैं, या कोई खिताब हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, कोई आपसे बयान करने के लिए आ रहा है, उसके तारुफ़ नामे हैं। तो इसी तरह तारुफ़ नामे की हर जगह ज़रूरत होती है। इसमें से एक तारुफ़ नामा खिताबे आम का तारुफ़ नामा, उसमें तारीख दी जाती है कि कौन से तारीख को खिताब होगा, यानी कि आपके सामने आकर बयान किया जाएगा। उसमें आने वाले जो आपसे खिताब करेंगे उनका नाम होता है। ज़ेरे सरपरस्ती, ये प्रोग्राम किसकी सरपरस्ती में चल रहा है, उसकी निगरानी कौन करेगा। मुकाम, यानी कि खिताबे आम जो है तो कहाँ पर होगा, मुकाम तय किया जाता है, मुकाम का भी तारुफ नामे में नाम लिखा जाता है। ज़ेरे सदारत, के इस प्रोग्राम की सदारत कौन करेगा, सदारत करने वाले का भी नाम दिया जाता है। मेहमान खुसूसी, इसके बाद में मेहमान कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन खुतबा देगा, कौन कौन बयान करेगा, उसके नाम दिए जाते हैं। मुकर्ररीन के लिए क्या ख़ास इंतज़ाम रखा जाएगा, यानी कि कुर्सियों पर बिठाया जाएगा, नीचे बिठाया जाएगा, है ना। तो ये तमाम चीज़ों की जो है तो मालूमात हम तारुफ़ नामे में पढ़ते हैं, करेंगे बातचीत करेंगे, तो इस तरह से ये तारुफ़ नामे छपाए जाते हैं किसी चीज़ के होने से पहले। या कल बहुत सारी मिसालें हमने देखी थी, फैक्ट्री में शर्ट बन रहा है, कोई नए पैटर्न की शर्ट तैयार हो रहे हैं, उसकी एड टीवी पे दिखाई जाती है, अखबारों में शाई की जाती है, इस तरह से। या कोई नया मोबाइल लॉन्च हो चुका है तो उसके पहले ही तारुफ़ नामे पेश कर दिए जाते हैं, टीवी में ऐड आना शुरू हो जाती है कि ये इस तारीख को लॉन्च होगा, अखबार में न्यूज़ आना शुरू हो जाती है, शाई होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हर चीज़ की तारुफ़ नामे की ज़रूरत हर जगह होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, फलों में फल हम खा रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है ना। तो इसलिए उसकी तारीफ़ हासिल करना हमारे लिए बहुत अशद ज़रूरत होती है। तरकारियों, यानी कि जो भी हम सब्ज़ियाँ खा रहे हैं उसका तारुफ़ नामा, उसकी आड़त करने वालों से लेकर, आड़त कहते हैं अड़त को, यानी कि सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी जो खेतों में काश्तकारी करने वाले होते हैं सब्ज़ी की, तो वो अपना पूरा माल दिन भर काटते हैं, तैयार करते हैं, रात को अपने घर पे लेके आ जाते हैं, और सुबह जो है एकदम अलग सुबह फजर के वक्त में आटो में रखकर वो सब्जी मंडी बाजार में ले जाते हैं और वहाँ उनकी हरासी होती है, तो उसे अड़क कहते हैं। ऐसा आपने कहीं लफ्ज सुना होगा मराठी का अड़क। तो जहाँ पर सब्जियाँ होलसेल भाव में फरोख्त होती है उसे अड़त कहते हैं, यानी वहाँ छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं या बाज़ार में दुकानें लगाते हैं, हाथ गाड़ी पे सब्जी वाले घूमते हैं, तो वो वहाँ से जाकर अड़त से जाकर खरीद कर लाते हैं। तो चाहे अड़त हो तो उनके भी लिए तारुफ नामा ज़रूरी है। लाखों रुपयों की आलीशान कारों की ताजिरों तक के लिए तारुफ नामा ज़रूरी है। जैसा कि कोई नई फोर व्हीलर मारुति कार लॉन्च हुई है तो उसकी तारीफ़, उसकी मुकम्मल तारीफ जो है तो पहले ही दे दी जाती है, उसमें क्या क्या फीचर है। अभी आज टेक्नोलॉजी दौर से हम गुजर रहे हैं तो गाड़ियों में भी नए नए फीचर्स आ चुके हैं, जैसा कि हम सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान फिल्मी नगमे, किरात, नाते वगैरह, मुशायरा ही सुनते हैं, तो उसमें पहले एक जो सेटअप बॉक्स होता था गाने बजाने का, मुशायरे सुनने का ना, तो पहले कैसेट लगाई जाती थी,
है ना, टेप आते थे पहले, लेकिन अब तरक्की करते करते ऐसा हो गया कि भाई एक मामूली सी जो मेमोरी कार्ड है चिप है ना, वो पेन ड्राइव में उसमें लगा दो और जो है तो आप सफ़र के दौरान किरात सुनो, कुरान शरीफ सुनो या मुशायरे सुनो, है ना, इसका हम आनंद ले सकते हैं। तो इसी तरह से गाड़ियों में तरक्की होती जा रही है दिन ब दिन। कई ऐसे गाड़ी आ गए कि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, अगर वो ब्रेकर पर से भी कूद जाती है तो बैठे वाले को अंदर धक्का नहीं लगता, महसूस नहीं होता, जोर से झटका नहीं आता। तो ऐसे आलीशान गाड़ियाँ भी जो है तो बहुत लाखों रुपये की, करोड़ों रुपये की। अभी आपने 4-5 रोज़ पहले हमने न्यूज़ सुने हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 12 करोड़ रुपये की कार ली है। कितने की? 12 करोड़ रुपये की। अब अंदाज़ा लगाओ कि उसमें कितनी फैसिलिटी होंगी, कितनी सुविधाओं से वो गाड़ी आरहिस्ता होंगी, 12 करोड़ रुपये। तो ये आलीशान कारों के ताजिरों तक के लिए तारुफ नामे ज़रूरी होते हैं कि जो इसकी तिजारत कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो वो तारुफ नामे पहले ही हमको भेज देते हैं। और आज तो इलेक्ट्रॉनिक दौर है, मीडिया का दौर है, तमाम चीज़ें जो है तो हमको टीवी में अखबारात ख़रीद कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाम चीज़ें जो है तो हमारे मोबाइल पर, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सारी चीज़ें जो है तो हमको घर बैठे वक्त से पहले मिल जा रही है। वक्त से पहले से मुराद जैसा कि कोई चीज़ लॉन्च होती थी, खबर सुनाते थे तो हम अखबार जाके ख़रीदते थे, फिर उसमें उसके फीचर पढ़ते थे। लेकिन आज जो है तो इधर लॉन्च हुआ 11 बजे और 11:15 बजे जो है तो हमारे तमाम उसके फीचर हमारे मोबाइल में आ जाते हैं। क्या फैसिलिटी है उसमें, क्या सुविधा है, उसकी कीमत क्या है, उसमें कौन कौन से फंक्शन दिए गए हैं, तमाम मालूम 15 मिनट के अंदर हमारे पास आ जाती है। आजकल ईद और त्यौहार का सामान, तैयार कपड़ों, साड़ियों, खिलौनों, पंसारियों, किताबों, स्टेशनरी, गाड़ियों, होटलों, जश्न हॉल, औजारों, कारखानों, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, दवाओं, डेरी, मसनूआत गिजाई अशिया, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों के तारुफ नामे भी नज़र आते हैं, यानी कि पहले ही उसके फ़ायदे नुकसान बता दिए जाते हैं। तो जिसमें सरे हमारे सरे फहरिस्त में जो है तो आजकल चाहे वो हमारा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद का त्यौहार हो, या हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली हो, या दशहरा हो, तो उन ये दोनों त्यौहार के लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सामान खरीदने से पहले है ना उसके तारुफ नामे पढ़ते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। तैयार शुदा कपड़े, जो कपड़े तैयार रेडीमेड, जैसे तैयार शुदा कपड़े से मुराद रेडीमेड कपड़े, वक्त पर जो है तो हम जैसा कि अभी 12 बजे शादी में जाने वाले हैं, 10 बजे 11 बजे जाके रेडीमेड दुकान से कपड़ा खरीद कर, ड्रेस खरीद कर लाकर हम उसको पहन सकते हैं, इतनी आज फैसिलिटी है। इसी तरह साड़ियों, साड़ियाँ भी जो है तो बहुत अलग अलग किस्मों की, अलग अलग क्वालिटी की मार्केट में दस्तियाब है। खिलौने भी तरह तरह के खिलौने आ चुके हैं, जैसा कि एरोप्लेन सफ़र करने के लिए है, खलाई सफ़र के लिए है, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए वो एरोप्लेन भी आज तैयार हो चुके हैं, वो अपने छोटे से रिमोट के ज़रिए से वो एरोप्लेन घर में उड़ा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद पंसारियों, यानी कि दवा फरोश, पंसारी कहते हैं दवा बेचने वाले को, दवा फरोश, तो दवा फरोश और किताबें फरोख्त करने वाले भी अपने पंपलेट, अपने एडवर्टाइज करते हैं। स्टेशनरी कहते हैं जैसे कि स्कूल है, स्कूल में कौन कौन से बुक लगते हैं, सबसे पहले हम तालिब इल्मों की मिसाल लेते हैं, तालिब इल्मों को किताबें लगती है, उसके बाद में वो नोटबुक खरीदता है, ठीक है। स्कूल में स्टेशनरी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है वो बता रहा मैं आपको, नोटबुक है, किताब है हमारी, उसके बाद में पेन है, पेंसिल है, कंपोस है, बैग है, फिर उसके बाद में आपकी हाज़िरी ली जाती है क्लास में, हाज़िरी रजिस्टर है, टीचर स्कूल में आके साइन करते हैं, यानी कि उनकी हाज़िरी का सबूत है, वो हाज़िरी उसे मस्टर कहते हैं, वो रजिस्टर है ना, ये तमाम चीज़ें स्टेशनरी में आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप स्कूल में आकर एडमिशन करते हैं, 10वीं जमात 11वीं जमात में आके आपने एडमिशन किया, आपका एडमिशन जिस रजिस्टर में किया जाता है उसे GR कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट रूल। तो ये तमाम चीज़ें स्टेशनरी में आती है। स्टेशनरी सिर्फ हमारे स्कूल के हद तक नहीं है,
बल्कि आप ग्राम पंचायत में जाएंगे वहाँ भी जितने भी कागजात जितने भी रजिस्टर है ना उससे स्टेशनरी कहते हैं। जश्न होटलों की भी एडवर्टाइज होती है, लजीज खानों का वाहिद मरकज है ना, ऐसे एड्स देखे होंगे आपने होटलों पर लिखा हुआ रहता है लजीज खानों का वाहिद मरकज, यानी कि पढ़ने वाला मुतवज्जे हो जाए, ऐसे जुमले उसमें दिए जाते हैं। जश्न हॉल, शादी हॉल के लिए फंक्शन हॉल में कौन कौन सी फैसिलिटी दस्तियाब है उसका जिक्र किया जाता है पंपलेट में। औजारों, कई हज़ारों किस्म के औजार भी तैयार हो चुके हैं, बहुत सारी किस्मों के औजार में तलवार है, निज़ा है, भाला है ना, बंदूक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे सामान निकल चुके हैं अभी, आप पंजों में पहनने का, उसको जेब में रख लो, पहनकर सर पर मार दो, वहीं वो जख्मी हो जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारी आलात जो है तो मार्केट में तैयार हो चुके हैं। कारखानों, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं, जैसा कि अभी मौसम है गर्मी का है, मौसम है अभी, हमको सर्दी ज़्यादा लगती है, लेकिन सर्दी से बचने के लिए अभी कुछ लोग अभी एक चीज़ आ गई मार्केट में, हीटर रूम को गर्म करने के लिए है ना, उसकी कीमत 1000-1500 रही है। फिर गर्मी का मौसम आएगा, आप जो है तो कूलर की तरफ बढ़ेंगे, कूलर कहाँ बन रहे हैं, कारखाने में, एसी कहाँ बन रही है, कारखाने में है ना, उसकी मालूमात फिर हम तक कैसी पहुँचती है, ये तारुफ नामे के ज़रिए से पहुँचती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं, घड़ी आ गई इलेक्ट्रॉनिक में, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है, ना जाने कैलकुलेटर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज जो है तो हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ैन है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन। उसके बाद देखिए अशिया, इलेक्ट्रॉनिक अशिया या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, दवाइयाँ भी जो है तो बहुत सारी किस्मों की आ चुकी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बेहोशी की दवा पहले तैयार नहीं की गई थी, लेकिन बाद में तैयार की गई है। आज हम एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लेके अगर हमारा हाथ टूट गया है ना, तो डॉक्टर जो है तो हमारे हाथ की हड्डी को जो किस तरह से जोड़ता है वो पूरा काटता है उसको, हमारी स्किन को ऐसा खींचा जाता है चुमटों में, फिर जहाँ हड्डी टूटी है उसको जोड़ा जाता है। ये पूरा ऑपरेशन करने के दौरान हमको ज़रा सा भी महसूस नहीं होता कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमको डॉक्टर पहले ही एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा चुका होता है, जिसके ज़रिए से हमारा उतना जिस्म सुन हो जाता है, चाहे आप उसको तलवार से काटो, आरी से काटो, कुछ भी महसूस नहीं होगा, चाहे वहाँ पर सुई चुभाओ, डॉक्टर काटने से पहले जैसा कि अपेंडिक्स सायराइडी ऐसे शुरू हो रही है ना, लेकिन मेडिकल के कारकुन जो होते हैं काम करने वाले, वो दवा का नाम पढ़ते हैं और बरोबर जाके वही अलमारी में वही खाने में जाके दवा निकाल के लिख देते आप, क्यों, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल रखी हुई रहती, सिरप अलग रखी हुई रहती, टानी के सिरप, टेबलेट अलग रखी हुई रहती, कैप्सूल अलग रखी, और वो भी अल्फाबेटिकल बॉक्स में अलग अलग खाने में। तो इस तरह से डेयरी, आज जहाँ हम पूरी दुनिया सुबह उठकर चाय पीती है, जहाँ से हम दूध जाकर खरीद कर लाते हैं डेयरी से, तो डेयरी के दूध भी कितने किस्म के आ रहे हैं, और वही डेयरी पर अलग अलग बोर्ड लगे हुए होते हैं, खवा का रेट लिखा हो रहता है, चलो दही का रेट लिखा हो रहता है, श्रीखंड का रेट लिखा हुआ रहता है ना, उसकी तारीफ लिखी हुई रहती है, ये तमाम चीज़ें। मसनुआत है मसनवी की जमा है, यानी कि जो चीज़ें हाथ से बनाई गई हो मसनुआत में, जैसा कि ये डेस्क बेंच हाथ से बनी हुई है, ये डाइज हाथ से बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड दीवार हाथ से बनी हुई है, ये मसनुआत में आते हैं। मसनवी सामान, गिजाई अशिया यानी कि खाने पीने की चीज़ें भी आज भी होटलों में बहुत सारी मौजूद है। घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों के तारुफ नामे भी नज़र आते हैं, हमारे घरों में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या बनाते हैं उसको फरोख्त करते हैं, वो आगे बताता मैं आपको एक लाइन पढ़े बाद, कि घरों में चीज़ा तैयार होती है और उसको फरोख्त किया जाता है, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्कीम निकाली है, आगे बताता मैं आपको। तारुफ नामे भी नज़र आते हैं। ड्रामा थिएटर, सिनेमा हॉल में टॉकीज़ में कोई फिल्म नहीं लगने वाली होती है तो उसका तारुफ नामा पहले ही चिपका दिया जाता है, पोस्टर जिसे हम कहते हैं फिल्मों का पोस्टर, वो तारुफ नामा। उसके बाद सिनेमाघर, इमदाद बहामी यानी कि
ये एक ग्रुप होता है खिदमते खल्क का, इमदादे बाहमी, यानी कि एक बॉस। अब आ गए अपन असल मकसद पर, तालीमी इदारे के ताल्लुक से तारुफ नामे किस तरह से लिखे जाएंगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग तौर से जो है तो तारुफ नामे शाये किए जाते हैं। हर स्कूल वाले अपने हिसाब से तारुफ नामे शाये करते हैं, और वो तारुफ नामों में जिली हरफों में, मोटी मोटी हरफों में लिखते हैं कि हमारे स्कूल के ये फ़ायदे हैं, है ना। अब उसमें दाखले जारी है, जैसा कि तारुफ नामा है, दाखले जारी है। बात किस तरह से हुई, गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी मदरसा रशीदिया शेख कले में बादुल जहीर सेकंड टाइम मंदरजा जैन शोभा जात में दाखले जारी है। अब दाखले जारी है, मेन मकसद क्या है उनका, एडमिशन कराना, दाखले कराना। तो उसको उन्होंने जिली हरफों में लिखा, मोटी हरफों में। उसके बाद में उन्होंने डिपार्टमेंट बताया अलग अलग, शोबा कायदा यानी कि कायदा सिखाया जाता है मदरसे का, शोबा नाजिरा यानी कि कुरान का नाजिरा होता है, शोबा हिफ्जुल कुरान हाफिज बनाए जाते हैं, और तरबियती निसाब यानी कि दीनी तरबियत, इंसान बच्चे की कैसी हो, हाफिज की तरबियत कैसी हो, और वो जाके समाज में अवाम को किस तरह से सिखाए, ये ऐसे इस तरह से तारुफ नामे दिए जाते हैं। उनकी खसूसियात पेश की जाती है स्कूलों के तारुफ नामे। तो स्कूलों के तारुफ नामे में सबसे पहले सन इशाद आ जाएगा कि हमारे जवाहर स्कूल का क़याम 1983 में हुआ, है ना, पहले ये। फिर उसके बाद आज की खसूसियात उसमें बयान की जाएंगी कि हमारे पास माहिरीन असातेज़ा इकराम पढ़ाने के लिए दस्तियाब है, ऐसा एक जुमला लिखा जाएगा, वक्त दिया जाएगा। फिर लिखा जाएगा उसमें चार्ट में, अगर हमको पम्पलेट छपाना, उसमें लिखा जाएगा फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि कोई एडमिशन की फ़ीस नहीं ली जाती, ना 10वीं में ली जाती है, ना 12वीं में ली जाती है। इस तरह से उसमें खसूसियात बयान की जाती है। और फिर उसमें नीचे एक लाइन ये भी होती है कि हमारा हर साल का परसेंटेज, कि पिछले साल का परसेंटेज स्कूल का कितना रहा, 99% रिजल्ट लगा, 100% लगा, है ना। तो ये भी तारुफ नामे में दिया जाता है। देखिए आगे, तालीमी इदारे, समाजी और अदबी इदारे। समाजी इदारे खिदमत गुजार, जो लीडरान होते हैं, नेता होते हैं, वो अपने कौन कौन सी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसके भी तारुफ नामे। सकाफती, सकाफती कहते हैं कल्चरल एक्टिविटी को, संस्कृति कार्यक्रम, यानी कि जो हम स्कूल में जो प्रोग्राम लेते हैं, 26 जनवरी, यौम आज़ादी, 15 अगस्त मनाते हैं, उसके बाद में यौम असातेज़ा मनाते हैं, महात्मा गांधी के प्रोग्राम लेते हैं, मुशायरे लेते हैं, तो ये सब सकाफती प्रोग्राम कहलाते हैं। सकाफती, जिसको इंग्लिश में कल्चरल एक्टिविटी कहते हैं, हिंदी लफ्ज़ संस्कृति कार्यक्रम। इस तरह से खेल कूद के इदारे, खेल कूद के भी इदारे हैं, सिर्फ पढ़ाई के इदारे नहीं हैं, स्कूल इसके खेल कूद के भी स्कूलें हैं, खेल कूद के इदारे। कंपनियाँ, बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ बनी हुई है, जैसा कि हेलमेट की कंपनी है, इन्वर्टर की कंपनी है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ भी दस्तियाब है, और वो अपने सकाफती और खेलकूद के इदारे, कंपनियाँ, अस्पताल, अस्पताल में कौन कौन से इलाज किए जाते हैं उसके तारुफ नामे भी हम पढ़ते हैं। सियाहत, सियाहत कहते हैं सफ़र को, सैर व तफरी को। के मराकज़, LIC, जैसा कि LIC ये पॉलिसी बहुत बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी है, LIC, है ना, जहाँ पर हम क्या निकालते हैं, पॉलिसियाँ निकालते हैं, कि बहुत सारे बिजनेस वाले, नौकरियाँ वाले अपने बच्चों के शादियों के लिए उसमें पैसे जमा करते हैं, 18 साल के लिए, 20 साल के लिए, और 20 साल के बाद में फिर उसको रिटर्न निकालते हैं। तो ये इसके के भी फ़ायदे जो है, तो इसके भी पंपलेट हमारे सामने आते हैं। LIC, डाक, डाक यानी पोस्ट ऑफिस, बैंक, बचत गट वगैरह को तारुफ नामे की ज़रूरत होती है। अब घरेलू सामान क्या तैयार होकर मार्केट में जाता है ना, तो मैंने आपको बोला था कि आगे बताता मैं आपको। तो ये जो बचत गट है, तो महाराष्ट्र हुकूमत ने 10-12 सालों से एक बचत गट के नाम से महिलाओं के लिए स्कीम निकाली है, कि आप कितने, शायद 8 या 10 लेडीज़ का ग्रुप होता है, वो उसका आप ग्रुप बना लो, बचत गट नाम दे दो एक उसको, और आपको जो है तो बैंक पैसा देती है 10-10 हज़ार रुपये, आप उसमें बिजनेस करो, कि 10 ख़वातीन मिलके आप उसमें बिजनेस, आपका बिजनेस शुरू करो।
तो ऐसे बचत गट बहुत सारे जो है तो बचत गट जो है तो आगे तरक्की कर रहे हैं कि उन्होंने वो एक लेडीज़ को 10,000 रुपये लोन मिलती है, उसके बाद में उन्होंने अपना 10,000 रुपये जमा करके 1,00,000 रुपये उनके पास आ गए, उसको अपना कारोबार शुरू किया है ना, उसके तारुफ नामे भी आते हैं कि हमने किस तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ाया कि वो बहुत आगे निकल चुके। तो इनके तारुफ नामे भी जो है तो हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसके बाद देखिए अगला पैराग्राफ, फ़न मौसीकी, छोटे बड़े कोर्सेस, मौसीकी के फ़न, मौसीकी संगीत वगैरह जो बजाते हैं उसकी भी क्लासेस होती है, उसकी भी स्कूल है। छोटे बड़े कोर्सेस, छोटे कोर्सेज भी है, बड़े कोर्सेज भी है। ज़राती यानी कि खेत में जो काम करने वाले हैं, आलात होते हैं ज़राती आलात खेतों में काम करने के लिए, जैसा कि हम सब्जियों पर दवाएं छिपते हैं है ना, जो पंप होता है वो भी एक आलात कहलाया जाता है, ज़राती आलात में आता है वो। खेत में बीज बोते हैं है ना, हल चलाते हैं, ये सब ज़राती आलात है। तामीरी आला, जो बिल्डिंगें तैयार की जा रही है, जैसा कि हमारी ये स्कूल तैयार की गई है, अब जो मजदूर आए उन्होंने साथ में गमेला लाए, फावड़ा लाए, साथ में थापी लाए, रंदा लाए है ना, ये तमाम आलात उन्होंने साथ में लाए, तब कहीं जाकर ये तो बिल्डिंग उसके सहारे से, उसके सामान के सहारे से बिल्डिंग तैयार हुई। दवा साज कंपनियां, दवाओं की जो अलग अलग कंपनियां हैं, बहुत सारी किस्मों में हज़ारों किस्मों की दवाएं आज मेडिकलों पर दस्तियाब हैं, मौजूद है, तो इसकी अलग अलग कंपनियां हैं। पौध घर यानी कि जहाँ छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, जिसे हम नर्सरी कहते हैं, पौधों के घर है ना, खेतों में एक उसका एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। जैसे कई शोबे हैं जिनकी तरफ अवाम को रागिब करना होता है, ये ऐसे शोबे हैं कि अवाम को उनकी तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत होती है, इसके लिए तारुफ नामा ज़रूरी है। आपकी इनफरादियत, आपसे गाहक को होने वाला फ़ायदा, ऐसे नुकात है जिन्हें नुमाया करता है, इस मकसद के लिए तारुफ नामे की ज़रूरत।